जर्मन बायोटेक कंपनी क्योवैक ने दावा किया है कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन इंसानों पर असरदार साबित हुई। ये दावा वैक्सीन के अंतरिम फेज 1 डेटा के आधार पर किया गया। क्योवैक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फ्रेंच वर्नर हार्ज ने एक बयान में कहा, हम इस डेटा से बेहद उत्साहित है। कंपनी 2020 के अंत तक वैक्सीन का बड़े पैमाने पर ह्यूमन ट्रायल शुरू करने की सोच रही है। सीवियनकोव नाम की ये वैक्सीन शुरुआती ट्रायल में कामयाब रही। वॉलंटियर्स में उतनी एंटीबॉडीज डेवलप हुई जितनी कोविड-19 के एक गंभीर केस में रिकवर होने पर बनती है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के 150 से ज्यादा वैक्सीन पर काम हो रहा है। इनमें से 10 एडवांस स्टेज ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल से गुजर रही है। क्योवैक के अनुसार फेज 1 स्टडी में अब तक 250 से ज्यादा लोगों पर इस वैक्सीन का ट्रायल किया गया है। वैक्सीन ने शायद टी सेल्स भी जनरेट की है, लेकिन कंपनी ने कहा है कि अभी एनालिसिस जारी है। वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स अधिकतर दूसरे इंजेक्शन के बाद पता लगता है। कंपनी के अनुसार थकान, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द और कुछ बुखार जैसे साइड इफेक्ट्स 24 से 48 घंटों में दूर हो गए। mRNA अप्रोच पर आधारित है ये टीका। क्योवैक का टीका उसी मैसेंजर RNA अप्रोच का इस्तेमाल करता है जैसा और भी कई वैक्सीन कर रही है। अमेरिकन कंपनी मॉडर्ना का टीका भी mRNA बेस्ड है। इसके अलावा फाइजर और उसकी जर्मन पार्टनर बायोएनटेक की वैक्सीन भी इसी अप्रोच पर आधारित है। कैसे काम करती है mRNA वैक्सीन? कोरोना के लिए वैक्सीन बनाने की रेस लगी है। नए नए तरह के प्रयोग हो रहे हैं। mRNA ऐसा ही एक प्रयोग है। आज तक दुनिया में इस अप्रोच पर आधारित किसी वैक्सीन को मंजूरी नहीं मिल पाई है। नॉर्मल वैक्सीन शरीर को वायरस या बैक्टीरिया के बनाए प्रोटीन्स को पहचानने और लड़ने के लिए तैयार करती है। इसके उलट mRNA वैक्सीन बॉडी को चकमा देकर उससे खुद ही वायरल प्रोटीन्स बनवाती है। किसी कोशिका में mRNA प्रोटीन बनाने की टेम्पलेट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रोटीन्स एक साथ जुड़कर वायरस नहीं बनते। इम्यून सिस्टम इन प्रोटीन्स को डिटेक्ट करता है और उनके प्रति डिफेंसिव रिस्पॉन्स तैयार करने लग जाता है। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।